आई विल बी योर हार्ट इन एक्सचेंज यू शो मी योर ड्रीम। ये भाई साहब वन ऑफ द फेवरेट डायलॉग्स है मेरा कहने के लिए ऑफ कोर्स। असली में तो भाई साहब आई वांट टू फील सम कुची कुची। तो भैया चेनसो मैन का थर्ड एपिसोड आ चुका है। तो सबसे पहले तो बेसिक एपिसोड के बारे में बात करते हैं। तो भाई साहब एपिसोड तो एक नंबर था भाई, मजा आ गया। मतलब शुरू से लेकर ना एपिसोड ने हुक करके रखा, मतलब लास्ट तक तो मुझे लगा था बस पूरी फाइट कंप्लीट दिखा दे, कम से कम फाइट तो दिखा दे, एंड पूरा दिल मतलब सेटिस्फाई कर दिया, फाइट पूरी दिखा दी हमारे बैट डेविल की। क्या मतलब वो बैटमैन था, कौन बोल रहे। और चेनसो मैन के एपिसोड 1 से जो यहाँ पे इशू चलते आ रहा था कि पेसिंग का, देखो चेनसो मैन की मांगा को देखा जाए उसमें लगभग 100 चैप्टर्स हैं, मतलब ठीक है 100 चैप्टर्स। और जब इसका पहला एपिसोड आया था, जैसे कि मैंने बताया, अगर मेरी वीडियोस देखी तो पता है भाई, पहले एपिसोड में सिर्फ एक चैप्टर की स्टोरी उठाई, जहां से चैप्टर शुरू हुआ वहां तक रखा, एंड जहां पे चैप्टर खत्म वहीं पे एनिमे का एपिसोड खत्म। और अगर ऐसी पहले एपिसोड जैसी ही कहानी चलती रहती तो सिर्फ इसके 12 एपिसोड होने वाले, जैसे कि आपको पता है। नहीं पता है तो भाई सब्सक्राइब मार दो यार, ऐसी इन्फॉर्मेशन छूट गई तो भाई हो गया काम, सब्सक्राइब मारो सबसे पहले। तो ये 12 एपिसोड होने वाले, अगर ऐसा चलते रहे तो सिर्फ 12 चैप्टर कवर हो पाते, 12 चैप्टर में कहां कहानी जाती है पता है आपको, शायद कुची कुची भी ना मिल पाता। बट शायद उन लोगों ने मेरी वीडियो देख ली है जिनको भी पता चल गया भाई हम गलती कर रहे हैं, तो उन्होंने भाई अगले सेकंड एपिसोड में ही अपनी गलती सॉर्ट आउट कर दी, सही कर दिया सब। थर्ड एपिसोड में तो और अच्छा कर दिया, पहले एपिसोड में इनने सिर्फ एक चैप्टर लिया था, एंड दूसरे एपिसोड में भाई इनने 4 चैप्टर उठाए। और तुमको ये चीज देख के भी समझ में आ गई होगी कि ये एपिसोड थोड़ा फास्ट टाइप का चल रहा है, तो हाँ फास्ट टाइप का नहीं, फास्ट चल ही रहा है। इस एपिसोड को बनाने के, सेकंड एपिसोड को बनाने के, 4 चैप्टर की स्टोरी कवर की है सिर्फ एक सेकंड एपिसोड को बनाने के लिए। और हाँ ये चीज फास्ट फील होती है, मेरे को भी भाई बहुत फास्ट हुई फील। इनने सेकंड एपिसोड में हमारे 2 अच्छे कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन से करवा दिया, जो कि हायाकावा एंड पावर का। एंड मांगा में तो पूरा एक एक चैप्टर दिया जाता है इनको, मतलब डिटेल में बताया जाता है इनके कैरेक्टर को, मतलब इससे मांगा में तो देखो यार इतना अच्छे से किया गया इस चीज को कि हम कनेक्ट हो जाते हैं कैरेक्टर से। इसमें इतनी जल्दी करवा दिया कि कनेक्ट नहीं हो पाया उतना, कि ऐसे ही निकल गया ऊपर से। और ये होता है सीजनल एनीमे में तो ऐसा आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा, एंड जैसे लंबे एनीमे चल रहे हैं जो वन पीस नारुतो जैसे चलते रहते हैं, वीकली आते हैं, उनमें वो थोड़ा स्लो रखते हैं, एंड उनसे हम आसानी से अपना फील को कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा फेवरेट हमारे ऐसे ही एनिमे होते हैं, चाहे ड्रैगन बॉल ले लो, ब्लीच ले लो, जोजो ले लो, वन पीस ले लो। वन पीस तो भाई वन पीस वाले आपको पता है कैसे वो इसलिए ऐसा करते हैं भाई, मैं खुद बैठा हूँ, क्योंकि जिस चीज़ को आप विस्तार से बताओगे भाई वो चीज़ इतनी अच्छे समझ में आएगी, उतनी अच्छी से हम कनेक्ट कर पाएंगे, उतनी अच्छे से हमारे दिल में वो जगह बना पाएगी। तो ये होता है, तो इसमें इसको फास्ट कर दिया, 2 कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन ने जल्दी करवा दिया। और इस चीज़ को हम गलती नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो एनिमे मांगा का अडेप्टेशन है भाई, कॉपी नहीं है कि तुम्हें मांगा में जैसा डिट्टो वैसे तुम्हें एनिमे में पेल देना है, नहीं। अब वो एनिमे के डायरेक्टर के ऊपर है कि उसको कैसी चीज़ें दिखानी है, उसको पहले अगर एक्शन दिखाना है फिर बैक स्टोरी दिखाना है, जैसे कि ज़्यादातर एनिमे में होता है, पहले तुम्हें कैरेक्टर का एक्शन वगैरह दिखा दिया जाएगा, फिर तुम्हें उसके इंटरेस्ट जाएगा उसके लिए, फिर तुम्हें उसकी वो दिखाई जाएगी बैक स्टोरी वगैरह, तो शायद इसमें वही सीन करना चाहते हो। बाकी 3 एपिसोड में हम अभी कुछ नहीं बोल सकते, आगे आएगा तो फिर तो बात करने बैठे ही हम, क्या करेंगे इधर, किस लिए बैठे हम इस गाड़ी में, यही करने तो बैठे हैं। तो वही है डायरेक्टर के ऊपर है, मांगा में तो राइटर ने अपने हिसाब से कर दिया जैसा उसको लगा, अब डायरेक्टर अपने हिसाब से करेगा। और ऐसा नहीं कि पूरे पूरे सेकंड एपिसोड में 4 चैप्टर को लिया है और तीसरे एपिसोड में 3 चैप्टर को लिए, नहीं भाई साहब, काफी सारे सीक्वेंस बीच बीच के कट हुए हैं। अगर वो पूरा पूरा सेम डिट्टो उतार दे तो आपको ऐसा नहीं होने वाला था, काफी सारे उनको सीक्वेंस और बीच बीच में जो चीजें होती वो काटनी पड़ी, जब जाके जो आपको ऐसा माल दिख रहा है। सीधा यहाँ पे सेकंड एपिसोड में हमारे हायाकावा, पावर, डेंजी वगैरह सब साथ में रहना चालू करते हैं, साथ में मतलब एडजस्ट होते हैं एक दूसरे, रहना तो कहाँ, रहना तो भाई अलग ही बात हो गई, एडजस्ट करना चालू करते हैं। उनके बीच बीच में छोटी छोटी बातें होती है, मतलब चीजें होती भाई क्या बताऊं भाई, तो ऐसी चीजों को तो एनिमे में कट के रही है, तुरंत बता दिया कब आगे जाके बताएं। और ये भी सच है कि अगर आपको एक चीज अच्छी करनी है तो दूसरी चीज तो आपको थोड़ी सी डाउन करनी पड़ेगी, दोनों में आप मास्टर नहीं बन सकते, तो यहाँ पर ये चीज भी होती, लेकिन काफी अच्छे से मेंटेन किया भाई, एनिमेशन वगैरह से प्यार हो जाएगा तुम्हें, माप्पा ने बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लिया, इतना तो चल जाएगा। अगर इससे थोड़ा ज्यादा वो रश करते हैं तो भाई फिर वो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर से इमोशनली अटैच नहीं हो पाएंगे तो भाई फिर वो घुल जाएंगे हम इस एनिमे को, इतनी लंबी हाइप का कोई मतलब नहीं रहेगा, तो इसलिए चीजों को टाइम देना पड़ता है। और ये तो मैंने अच्छी एडवाइस दी थी भाई। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूं, सेंसरशिप हुआ है, सेंसरशिप होता ही है, पहले एपिसोड से सेंसरशिप हो रहा है, काफी सारे इतने खतरनाक ब्रूटल सीन्स है ना, मतलब उनको ये अपने हिसाब से कर देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि वो चीज दिखाते हैं, वो चीज दिखाते हैं
मतलब ऐसे वे में दिखाते हैं कि ज्यादा डार्क ना दिखे, ज्यादा ब्लड गोर उसमें ज्यादा यूज ना हो। एंड जब आप चीज मांगा का एक चैप्टर पढ़ेंगे फिर एनीवे देखेंगे जब आपको समझ में आएगा, एंड या फिर आप कंपेयर करेंगे तो भी समझ में आ जाएगा, ऐसे नहीं आएगा। और ये तो पहली टाइप की सेंसरशिप हो गई। एंड एक और यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज कर दिया भाई ब्लड का, पता है कितना सारा यहाँ पे बाल्टी भर यहाँ पे मचाया जाता है भाई, बाल्टी तो बहुत कम हो गई, इतना ज्यादा मचाया जाता है, ब्लड का कलर ही चेंज कर दिया। और ये चीज तो आसानी से वो बता भी देंगे कि भाई ये डेविल का ब्लड, डेविल है वो इंसान थोड़ी है, ब्लड तो अलग हो गई लेकिन रेड होता तो रेड का तो अलग ही मचा है ना यार। पर वही हमारी हद सीमा आ जाती है कि इतना भी आप नहीं बढ़ सकते, लेकिन फिर भी ये चीज महसूस नहीं होती, मजा पूरा देती है, उछलवा देती है आपको, बिस्तर पर बैठे हो तो कूद जाओगे ऐसा तो करवाई देती है। तो दिल 10/10। और फाइट तो दिखा दी एपिसोड में, लेकिन हमारा ड्रीम जो हमारा जिसके लिए हमारे डेंजी भैया ने मेहनत करी उसका फल उनको अगले एपिसोड में मिलेगा, जो कि एक हफ्ते वेट करना पड़ेगा यार, इतना दुखी क्यों हो रहा हूं मैं। तो पसंद आई ये वीडियो तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो फिर इन्फॉर्मेशन छूट जाएगी, फिर बोलोगे यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है, इसलिए कर दो यार। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।